गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियम मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। कहते हैं काशी की ये व्याख्या शिव के उस शाश्वत निर्णय के बाद हुई जिसमें उन्होंने काशी को ही अपना धाम बनाने का फैसला किया था। पर काशी शिव की है या शिव काशी के, ये दोनों ही सवाल अब तक यथार्थ के जवाब तक नहीं पहुंच पाए हैं। कहते हैं शिव काशी में सावन के महीने में खुद अपनी सवारी लेकर भक्तों को आशीर्वाद देने आते हैं, लेकिन शून्य रूप से अनंत रूप तक शिव कहाँ है कोई नहीं जानता। इसलिए भक्त अपने अपने तरीके से शिव को पूछते रहे हैं। अब पूजा का एक तरीका ये भी है कि आधुनिक जमाने की मोटरसाइकिल नंदी बन जाए और भक्त स्वयं शिव के रूप में आ जाए। तो ये तस्वीर इस परिकल्पना को सिद्ध करती है। तस्वीर काशी की है, महादेव की काशी की, उस काशी की जिसके लोग शिव को अपने घर का मुखिया मानते हैं। अब जब शिव अपने हो तो भक्त को क्या डर। बाइक पर खुद शिव बनकर सवार हुए, नंदी महाराज के आशीर्वाद से मोटरसाइकिल को भी नंदी बना डाला। वाराणसी की इस तस्वीर में बाइक पर शिव के रूप में सवार पिंडरा निवासी दिनेश कुमार गुप्ता अपनी पान की दुकान चलाते हैं। पिंडरा काशी और जौनपुर की सीमा पर बसा इलाका है जहां से दिनेश काशी विश्वनाथ मंदिर तक शिव के रूप में ही पहुंचे हैं। अब शिव ने काशी विश्वनाथ मंदिर का सफर तय किया तो काशी में ये तस्वीर कौतूहल का विषय बन गई। काशी में जहां जहां महादेव की सवारी गुजरी भक्त उत्साहित हो गए। काशी का क्या ही है, जीते जीते भी हर हर महादेव और मरते मरते भी हर हर महादेव, तो सवारी देखकर क्या होगा ये तो अंदाजा लग ही जाता है। वाराणसी में दिनेश जहां जहां से गुजरे भक्तों ने खूब सेल्फी खिंचाई, बाबा को धन्यवाद दिया कि उन्होंने ऐसे भक्त से मिलवाया, वो भी सावन के महीने में। दिनेश भी शिव के रूप में उत्साहित दिखे। शायद पान की दुकान से शिव बनकर निकले दिनेश का अपना नाम दिनेश भी शिव का ही तो नाम है, इसलिए शिव के जैसा सम्मान भी मिला। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हुए हैं? नहीं वैसे कहाँ गए थे अभी आप? दर्शन करने गए थे, दर्शन नहीं हो पाया। तो गाड़ी पे आप महादेव बने और नंदी गाड़ी को नंदी महाराज बनाए हैं क्या आपने? आप अभी कहाँ जाना आपको? भक्तों के प्रेम से अभिभूत दिनेश ने कहा कि वो हर साल इसी रूप में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों का ऐसा स्नेह हर साल मिलता है, लेकिन इस बार दिनेश की भक्ति का विराट रूप देखने को मिला, शिव के पति काशी के अपनेपन का भी। वाराणसी यही है, चाहे जो हो शिव के ऐसे ही रूप को पूजते वाराणसी के हर शख्स के मन में एक नारा हर वक्त मौजूद होता है, नारा सुख का, नारा समृद्धि का, नारा उत्सव का और नारा अवसाद से मुक्ति का। सिर्फ एक नारा दोनों हाथ उठाकर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वाराणसी से नवभारत टाइम्स के लिए श्रेयांश त्रिपाठी और अभिषेक झा की रिपोर्ट।